मित्रों, महाभारत ग्रंथ में हमें अनगिनत रहस्य मिल जाएंगे। इन रहस्यों में से एक रहस्य ऐसा भी है जिसमें अर्जुन की रक्षा करने के लिए भीम पुत्र घटोत्कच का वध करवाना पड़ा था। अगर आप भी इस प्रसंग को विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञानवीला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। युद्ध के 13वें दिन सुभद्रा और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कई कौरव महारथियों ने मिलकर चक्रव्यूह में फंसे अकेले पांडव पुत्र का वध अन्यायपूर्ण तरीके से कर दिया था। जब यह खबर अर्जुन को मिली तो उसने जयद्रथ को मूल कारण मानकर संकल्प किया कि युद्ध के 14वें दिन के सूर्य के छिपने से पहले तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा खुद को अग्निदेव को समर्पण कर दूंगा और तब तक अभिमन्यु का अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 14वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ और अर्जुन किसी तरह भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से अपने प्राण पूरा करने में सफल हुए और जयद्रथ का वध किया गया। इसमें कौरवों में बहुत निराशा हुई और भय व्याप्त हो गया। अभिमन्यु की चिता जलाई गई और अर्जुन ने अपने पुत्र को अग्नि दी, लेकिन कौरव विचलित होकर जयद्रथ का बदला लेने में उतारू हो गए थे, इसीलिए उन्होंने रात को ही युद्ध आरंभ कर दिया। यह युद्ध रात में हो रहा था जो कि युद्ध नियमों के विरुद्ध था, लेकिन अब मर्यादाएं और नियम रोजाना टूट रहे थे। रात्रि में युद्ध करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। स्थिति को देखकर भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया जो कि राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था, और क्योंकि घटोत्कच राक्षस प्रवृत्ति का था तो रात में युद्ध करने में निपुण भी था। उसके पराक्रम से द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अन्य समस्त कौरव महारथी विचलित हो गए और इस तरह 14वें दिन का युद्ध पांडवों के पक्ष में रहा। रात में भी घटोत्कच के शौर्य से पांडव विजयी रहे। कौरवों की चिंता बढ़ गई और गुरु द्रोणाचार्य असहाय दिखाई दिए। घटोत्कच को रोकना सबके लिए मुश्किल था। 15वें दिन का युद्ध चल ही रहा था तो घटोत्कच ने शुरू में ही कौरव सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उसने सभी कौरव क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया। उसने पहले कर्ण तो फिर योद्धन और अंत में दुशासन को एक एक करके हराया। कौरवों को इतना विचलित किया कि उनको लगने लगा कि आज ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और कौरव परास्त हो जाएंगे। लेकिन इस स्थिति को भांपकर दुर्योधन ने कर्ण से प्रार्थना की कि अब कुछ करो, जब आज ही नहीं बचेंगे तो फिर वह अमोघ अस्त्र कब काम आएगा। आपके पास जो अचूक अमोघ अस्त्र है उसका उपयोग कीजिए कर्ण, और सबको बचाइए और इस मुसीबत से निजात दिलाइए। कर्ण अपने मित्र की अधीरता देखकर अपने पास अर्जुन वध हेतु बचे एकमात्र अमोघ शक्ति जो कि उसे इंद्र से प्राप्त हुई थी उसको छोड़ने को तैयार हो गए। अमोघ अस्त्र एकमात्र ऐसा अस्त्र था जिसका काट अर्जुन के पास भी नहीं था, लेकिन यह अस्त्र केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता था और कर्ण इसका उपयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। लेकिन अपनी सेना में घटोत्कच द्वारा हो रही तबाही देखकर उसने इस अमोघ अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर कर दिया और कुछ ही पल बाद एक विशाल का शरीर धरती पर पड़ा मिला, जिसे देख पांडव पक्ष में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि भीम पुत्र घटोत्कच ने अर्जुन की जान बचाने हेतु कर्ण की अमोघ शक्ति को अपने ऊपर ले लिया था। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।